नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर टारगेट एलटी कमीशन 2021 की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले हमने इसके 3 पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको इसका PDF प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आज की वीडियो का पहला प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया है, किसने अपने इतिहास में हिंदी और उर्दू कवियों को मिलाया था? तो जो अपने इतिहास में जिसने हिंदी और उर्दू के कवियों को मिलाया था वो था गारसा दत्ता सिंह। अगला जो प्रश्न है ये है 2, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो जो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, तो ये लिखा था डॉक्टर इंद्र मदान के द्वारा। जो इंद्रनाथ मदान थे, इनके द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 20, तो आपको मेरे इस टारगेट को कंप्लीट करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, नावादास ने भक्तमाला में कितने कवियों को स्थान दिया? आपसे यहाँ पर 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भक्तमाल है किस कवि की रचना है, तो आपको पता चल ही गया होगा भक्तमाल है नावादास की रचना, यहाँ पर नावादास सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो नावादास थे ये किस काल के कवि थे, तो ये थे भक्ति काल के प्रमुख कवि। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भक्तमाल है इसमें नावादास ने कितने कवियों को स्थान दिया है, तो ये दिया है 200 कवियों को। अगला प्रश्न है 4, तो पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह किस भाषा में रचना करते थे? तो जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। अन्य प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो ये भी की थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। यहाँ पर पूछा गया है कि जो गुरु गोविंद सिंह थे इनकी जो भाषा थी कौन सी थी। वैसे तो ये कई भाषाओं में रचना करते थे, परंतु जो प्रमुख भाषा थी वो थी ब्रजभाषा, यहाँ पर ब्रजभाषा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5, तो पूछा गया है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में है? तो जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है यह 18 खंडों में है और 16 भागों में है। आपको याद रखना है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 18 खंडों में है और इसके जो 16 भाग हैं। तो आपको दोस्तों मेरे लाइक का टारगेट याद रखना है, टारगेट है 20। जितनी जल्दी आप हमारे टारगेट को कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी ही आपको वीडियो प्रदान किया जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6, दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो ये है अपभ्रंश भाषा का। प्रश्न उल्टा भी बन सकता है कि जो अपभ्रंश समय में लोकप्रिय छंद कौन सा था, तो वो दुहा या दोहा था, इसे भी आप याद रखिएगा। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर एक परीक्षा में से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 7, तो पूछा गया है, धनपाल का समय माना जाता है? जो आदिकाल के प्रसिद्ध कवि थे धनपाल, इनका समय पूछा गया है, इनका समय है 10वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने देशभाषा के अंतर्गत कितने ग्रंथ रखे हैं? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनके द्वारा प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है और उसका प्रकाशन वर्ष है 1929। प्रश्न में पूछा गया है, जो शुक्ल जी थे इन्होंने देशभाषा के अंतर्गत कितने ग्रंथ रखे हैं? तो इन्होंने रखे हैं 8 ग्रंथ। अगला जो प्रश्न है ये है इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा है, जहाँ पर भी आपको स्टार लगा हुआ दिखा जाएगा तो वो प्रश्न होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, चंद बरदाई को हिंदी का चासर किसने कहा है? जो चंद बरदाई को हिंदी का चासर कहा है, ये कहा है हरिऔध के द्वारा, यहाँ पर हरिऔध जी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने कहा? जो विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कहा है, ये कहा है ग्रियसन के द्वारा। अगला प्रश्न है 11, तो पूछा गया है, पदावली को विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है?
तो जो विद्यापति की पदावली थी इसके श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है निराला जी ने। जो निराला थे ये छायावाद के चार स्तंभों में से एक थे। इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं एक है तोड़ती पत्थर, दूसरी है सरोज स्मृति और जो तीसरी है राम की शक्ति पूजा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 12, पूछा गया है भला हुआ जो मारिया बहिनी महारा कंतु, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पंक्ति है हेमचंद्र जी की। अगला प्रश्न है 13, तो पूछा गया है विद्यापति के पदों को पढ़ते पढ़ते कौन मूर्छित हो जाया करता था? तो जो विद्यापति के पदों को पढ़ते पढ़ते जो मूर्छित हो जाया करते थे तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है 14, तो पूछा गया है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? तो जो अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं तो ये हैं महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है 15, पूछा गया है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो जो अशोक के फूल निबंध संग्रह है इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचना है अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो ये होगी निबंध विधा की रचना। अगला प्रश्न है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन थे? तो जो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि थे तो ये थे सूरदास जी। यहाँ पर आपको एक प्रश्न मिलता है, आपको बताना है कि जो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शन भी दे देता हूँ, आपको बताना है कि जो अष्टछाप की स्थापना बल्लभाचार्य जी द्वारा की गई थी या विट्ठल नाथ द्वारा की गई थी। तो ये दो आपको टिप यहाँ पर दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 17, तो पूछा गया है आंसू के रचयिता कौन हैं? जो आंसू काव्य है इसके रचयिता के बारे में बताना है। तो जो आंसू काव्य है इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो जो जयशंकर प्रसाद हैं ये भी छायावाद के प्रसिद्ध स्तंभों में से एक थे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या है 18, तो पूछा गया है एक नार पिया को भानी तंबाकू सरगा ज्यों पानी, ये पंक्ति किस भाषा की है? जो ये पंक्ति होगी ये है ब्रज भाषा की। अगला प्रश्न है 19, तो पूछा गया है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? जो कामायनी है ये सबसे पहले बता दूं ये है जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध काव्य और इसे माना जाता है हिंदी का महाकाव्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20, तो पूछा गया है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो जो हिंदी साहित्य में गागर में सागर भरने का कार्य किया है तो ये किया है बिहारी लाल द्वारा। जो बिहारी लाल थे ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। इन्होंने बिहारी सत्ती नामक एक प्रसिद्ध काव्य की रचना की थी जिस कारण ये हिंदी में अमर हो गए हैं। अगला प्रश्न है 20, प्रश्न फिर से रिपीट हो गया था, मतलब संख्या फिर से रिपीट हो गई है। प्रश्न है गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो जो गाथा या गाह कहने से प्राकृत का बोध होता है। अगला जो प्रश्न है ये है 21, तो पूछा गया है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो जो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था होगी तो ये होगी घनिष्ठतर। अगला जो प्रश्न है ये है 22, तो पूछा गया है चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? जो चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है तो ये होगी चारुता। अगला प्रश्न है 23, तो पूछा गया है चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? तो जो चिंतामणि है इसके रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है चिंतामणि। अगला प्रश्न है 24, प्रश्न पूछा गया है जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, ये कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है महतो के द्वारा। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो ये पंक्ति है ये गोदान उपन्यास की है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो गोदान उपन्यास है किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास। अगला जो प्रश्न है 25, तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, तो पूछा गया है जो जिन शासन भाषियु सोमई कहियु सारू, जो पालई सही भाऊ करी सो तरी पावई पारू,
इस दोहे के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो ये दोहा है, यह देवसेन का दोहा, प्रसिद्ध दोहा है। तो आपको कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो श्राप का चार है ये किसकी रचना है, तो ये है देवसेन की ही रचना। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।